वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, माय नेम ललित सिंह मेहता। और आज गाइस एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं रखने जा रहा हूँ। पनवेल की जनता और पनवेल के हमारे जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, महानगर पालिका, हमारे आमदार सर, जितने भी हैं जो एक अच्छे पोजिशन में जो डिसीजन मेकर हैं पनवेल के विकास के लिए, कि देखिए पनवेल का ये जो ग्राउंड है राजीव गांधी ग्राउंड, जहाँ पर लोग सुबह सुबह आके क्रिकेट खेलते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, उसमें एक बड़ी समस्या आन पड़ी है। और वो बड़ी समस्या देखिए, पहले आप ग्राउंड देख लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ पे पिच वगैरह है जहाँ पे लोग खेलते हैं। और ये समस्या देखिए ये है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे इल्लीगल जो डंपिंग है, ये जो मिट्टी, आप मिट्टी के ढेर देख रहे हैं यहाँ पर ये मिट्टी के ढेर हमेशा आ जाते हैं हर एक महीने के गैप में। तो ये बड़ी समस्या यहाँ पर हो चुकी है पनवेल में, राजीव गांधी ग्राउंड में। तो ये मिट्टी के ढेर का कुछ करना पड़ेगा हमें, ये मिट्टी के ढेर हमेशा यहाँ पे आ जाते हैं। बहुत बार रिक्वेस्ट भी किए कि ये मिट्टी के ढेर ग्राउंड में ना डाले जाएं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उस चीज़ का। यहाँ पे देखिए आप, पूरा आपको ये ढेर दिखाई देगा, और ये पूरा ढेर देखिए आपको वहाँ तक पैच तक दिखाई देगा, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ढेर कहाँ से आ रहा है और इसका कारण क्या है। एक ग्राउंड है न्यू पनवेल में जो अच्छी तरीके से यूज़ में आ रहे हैं लोगों के एक्टिविटीज़ में, लेकिन उसको भी आज इतनी इस तरीके से नकार रहे हैं हमारे अधिकारी। तो इसका कुछ संज्ञान ज़रूर लेना पड़ेगा हमें, इसीलिए आज ये वीडियो आपके समक्ष रख रहा हूँ कि लोगों की फिटनेस आज इतनी कम हो रही है। आज के दिन में लोग व्हाट्सएप, TV और हमेशा स्क्रीन्स के सामने बैठे हुए हैं। तो उस दरमियान जब लोग सुबह सुबह आते हैं, शाम को आते हैं कुछ एक्टिविटीज़ के लिए, तो ऐसे ढेर देखने के बाद, इतना पूरा एरिया खाने के बाद इस ग्राउंड का कैसा फील हो रहा होगा आपको। ये देखिए लोग आना चालू हो गए हैं धीरे धीरे यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर करीबन डेली का नहीं बोलूँ तो 150-200 लोग आके प्रैक्टिस वगैरह सब करते हैं। सो ये कहाँ जाएंगे, और कोई अधिकारी इसका संज्ञान भी नहीं ले रहा है कि क्या होगा। और यहीं इसके अपोजिट में, इसके बगल में देखिए, ग्राउंड बड़ा हुआ करता था, इसके बगल में देखिए एक भव्य क्रिकेट एकेडमी आ रही है पनवेल में, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार में। हमें इससे कोई परहेज नहीं है, काफ़ी अच्छा है, विकास कार्य हो रहा है पनवेल में, क्रिकेट की एकेडमी आ रही है, हम इससे खुश हैं। लेकिन जो साइड आम लोगों के लिए दिया गया था, जो पट्टा हम कहेंगे कि जो ग्राउंड का जो हिस्सा था वो आम लोगों के लिए दिया गया है, उसका विकास कहाँ है, उसका विकास के बारे में तो कोई सोच नहीं रहा है। उस तरफ देखिए आप, भव्य एकेडमी है जो कि बहुत अच्छा भी है, आपको मैं सामने से क्लोज व्यू दिखाऊंगा उस एकेडमी का भी। लेकिन ये साइड आप ये देखिए, इल्लीगल डंपिंग वगैरह, ये कब ख़त्म होगा। अब हम परेशान हो गए हैं कंप्लेंट कर करके कि ये कब बंद होगा। ये देखिए पूरा डंपिंग ग्राउंड सा बन गया है, ये ग्राउंड खेल का मैदान कम और डंपिंग ग्राउंड ज़्यादा बन चुका है। अब ये देखिए डंपिंग ग्राउंड की परिभाषा क्या होती है आपको इस ग्राउंड से पता चलेगा। और दूसरी तरफ ये देखिए विकास की परिभाषा, इतना अच्छा ग्राउंड, इतना सुंदर ग्राउंड पनवेल के विकास के लिए जो थोड़े ही दिनों में शुरू हो जाएगा। तो एक तरफ इतना अच्छा विकास और दूसरी तरफ आम जनता के लिए कुछ भी नहीं, तो ये जो है थोड़ा मुश्किल है इसको समझना। देखिए लोग धीरे धीरे आना, वॉकिंग करना सब शुरू हो चुका है, तो लोगों को आज फिटनेस की जागरूकता चाहिए। उनको एक ही ग्राउंड है, वो ग्राउंड को अच्छा मेंटेन होना चाहिए, यही मेरा मानना है, यही लोगों का मानना है। कई बार अपील भी दी गई है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उस अपील्स का। तो बस यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ पनवेल में, ताकि ये ग्राउंड बचा रहे और इस ग्राउंड की अस्मिता की लड़ाई है ये। और ये जो इल्लीगल डंपिंग हो रही है, इसको प्लीज़ जो भी अधिकारी सुन रहे होंगे इसको बंद कीजिए, क्योंकि ये आम जनता के विकास के लिए तो हरगिज़ ही नहीं हो रहा है। आप देखिए पहले बाउंड्री पीछे हुआ करती थी, फिर थोड़ा थोड़ा करके डंपिंग आगे आ गई, तो बाउंड्री भी अब आगे आ गई। ग्राउंड बहुत सिकुड़ सा जा रहा है, ग्राउंड बहुत छोटा होता जा रहा है। इसमें प्रॉपर एक जॉगिंग ट्रैक डाल के, थोड़े व्यायाम के सब इंस्ट्रूमेंट्स लगा के, जैसे हर गार्डन में हो रहे हैं, ऐसा कर देंगे तो बड़ा एक लोगों के लिए फिटनेस में इतना अच्छा हो जाएगा कि अब क्या बात करें। तो ये देखिए, बस यही कहने के साथ अपने जो एक
जो एक रिग्रेट है, जो एक परेशानी है, उसको आज बयां करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। और कोई इसका मोटिव नहीं है। फिटनेस के प्रति लोगों को जगाएं और इस डंपिंग का कुछ करें प्लीज़। हाथ जोड़ के नम्र विनती है आप लोगों से।